नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। आज एनडीए के सारे घटकों ने मिलकर के नरेंद्र मोदी का अगला प्रधानमंत्री चुना है। नरेंद्र मोदी ही होंगे भारत के नए प्रधानमंत्री। एनडीए ने चुना संसदीय दल का नेता कहा, प्रधानमंत्री के रूप में भारत का गौरव बढ़ाया। नई दिल्ली में लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित सदस्य तथा एनडीए के दूसरे घटकों के सारे सांसदों ने मिलकर के नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया है। नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उनका इस्तीफा राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद अब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। सूत्रों के मुताबिक एनडीए की बैठक में सभी सहयोगी दलों के नेताओं ने नरेंद्र मोदी को उनके नेतृत्व और देश की प्रगति के लिए बधाई दी। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में नरेंद्र मोदी की कड़ी मेहनत और प्रयासों की सराहना की। एनडीए के सहयोगियों ने कहा कि नरेंद्र मोदी के पास विकसित भारत के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण है और वे इस लक्ष्य में भागीदार हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने तरक्की की। उन्होंने दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया है। एनडीए के नेताओं ने गरीबी उन्मूलन की दिशा में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की और अच्छे काम को जारी रखने का संकल्प लिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह लगातार तीसरी सरकार के लिए एक ऐतिहासिक जनादेश है जो भारत को पिछली बार 60 साल पहले मिला था। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बुधवार को राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की अहम बैठक हुई। इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुँचे। प्रधानमंत्री निवास पर हुई बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। बता दें कि आज शाम को ही INDIA गठबंधन की भी बैठक होने जा रही है, जिसके लिए बिहार से राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव और महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे के साथ कई नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। आज 7 जून 2024 शुक्रवार के दिन एनडीए की बैठक हुई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। यह बैठक 2 घंटे से ज़्यादा चली। गठबंधन के 13 नेताओं ने भाषण दिए, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा नीतीश के भाषण और उनके एक वायरल वीडियो की हो रही है। वहीं चिराग पासवान जब भाषण देकर मोदी के पास पहुंचे,
तो प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें गले लगा लिया। दरअसल नीतीश भाषण देने के बाद मंच की तरफ आए तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने की कोशिश की। जैसे ही नीतीश कुमार पैर छूने को बढ़े तो मोदी ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत हुई। नीतीश ने सिर झुकाकर अभिवादन किया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एनडीए के हमारे वरिष्ठ सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्मान्य नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि वह इस प्रस्ताव का अनुमोदन करें। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की, लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है। तब इस बार फिर जो मौका मिला है तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो गया। अब बिहार आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार वहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे, सबसे पुराना इलाका है। तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और बहुत अच्छा होगा। आप जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी, यही हम लोगों को कहना है। और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी और पूरे देश में इसका बहुत ज्यादा फायदा है। इधर उधर कोई करना चाहता उसको कोई लाभ नहीं है, तो इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। और आप सब लोग इतना खुशी हैं, सब पार्टी के लोग, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
आंध्र प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी बहुत ही बढ़िया और उच्च कोटि का भाषण दिया। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया है। भारत के लोग जो विदेशों में रहते हैं उनको उनका भी नाम ऊंचा किया है। नायडू ने कहा कि पहले के प्रधानमंत्रियों की जो नीतियां होती थी वो इतनी दूरदर्शिता से भरपूर नहीं होती थी जितनी प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी की नीतियां हैं। उन्होंने कहा आज भारत पांचवीं विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है और शीघ्र ही भारत तीसरी विश्व की वित्तीय शक्ति बनने वाली है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलके पूरे देश और हर प्रांत का पूरा पूरा उत्थान करने की कोशिश करेंगे और हम सब मिलकर के जो आजकल अफवाहें उड़ रही हैं उन सब को नज़रअंदाज करते हुए पूरी एकता के साथ भारत को ऊंचा उठाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के बाद नायडू की पार्टी तेलुगु देशम दूसरे नंबर पर है। उनके 16 सांसद चुने गए हैं। उनके साथ जनसेना के भी विधायक सांसद हैं। इस प्रकार नायडू ने पूरा भरोसा दिया है कि हम सब मिलकर के भारत का उत्थान करेंगे। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। वॉच दिस वीडियो क्लिप ऑफ चंद्रबाबू नायडूज स्पीच एट द एनडीए मीट। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर्स, रेस्पेक्टेड एनडीए पार्टनर्स, ऑनरेबल एमपीस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कंग्रेचुलेटिंग ऑल ऑफ यू। यू हैव वन वंडरफुल मेजॉरिटी। आई हैव सीन for the election campaign for the 3 months honorable pm never took any rest, day and night he campaigned, same zeal he started and ended, same spirit in Andhra Pradesh. We had 3 meetings, public meetings, one big rally. It has made a huge difference for winning the elections in Andhra Pradesh. Honorable Home Minister has come. He addressed one meeting, very powerful meeting. It has changed the situation in a big way. I am thanking him. Even Honorable Rajnath Singh ji, and also Nadda ji, and also Gadkari ji, so many leaders have come and they have addressed. It has given a confidence among people that center is with state. We are thanking all ministers. And also here today we stand at a crucial juncture in our nation's history. NDA government under the visionary leadership of Sri Narendra Modi ji has taken significant initiatives in the last 10 years
the country has witnessed remarkable progress and transformation. Narendra Modi ji focused and dedicated approach has transformed the nation into a global powerhouse. I am in the politics for the last 4 decades. I have seen so many leaders. I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country. Now, under his leadership, we have reached 5th largest economy in the world. Now, we are confident during this tenure, he is going to make India 3rd largest economy in the world. And at the same time, he is planning Vikasit Bharat Vision 2047. We are very confident under his leadership, India will become either 1 or 2 globally. It is going to happen. And at the same time, Indians under his leadership globally will become number 1 globally. As on today, Indians are all everywhere, if you go anywhere in the world, highest per capita income Indians are earning. I am confident under his leadership, Indians are going to become global leaders in the near future. It is going to happen. You name public governance, corporate governance, in the name of service, we are going to serve the global community. That is going to happen. Under this, sir, only all of us has to keep balancing the regional aspirations and national interest must run parallelly, ensuring holistic development across all strata of society. Friends, I have seen so many governments. We are a very, very inspiring time. Anything you wanted to achieve, if you visualize, it can be done. Narendra Modi ji is having a vision and also is having a zeal and also his execution is very perfect and also he is executing all his policies with a true spirit, always to have a leader. Right time is a great asset for the nation. Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi ji.